लड़की पक्ष ने औरत नाल खेडी खेड। अपने घर पैदा होए किन्नर दा लड़की बना कीता लड़के दे नाल विआह। इंज खुल गया सारा भेत। कि कदे तुसी सोचिया कि कोई झूठ बोल के इस तरह रिश्ता कर देवेगा, पर जदों इसका सच पता चलेगा तो हर कोई किवें दा रिएक्ट करेगा। जैसे ये कह सकते हैं कि 5 साल बाद इसका पूरा भेद खुल जाता है, क्योंकि एक किन्नर का विआह कर दिता जाता एक लड़के दे नाल जो बिल्कुल ठीक ठाक सी। तो दस दिए कि लड़की का जिहड़ा परिवार से, यानी कि किन्नर का जिहड़ा परिवार से, उन्होंने वालों झूठ बोल के एक लड़के दे नाल विआह तो कर दिता जाता, पर विआह के 5 साल बाद ये सारा भेद खुल जाता है। जिस तों बाद जिहड़ी किन्नर हुंदी आ उह जाके उन्हां दे उत्ते रिपोर्ट भी दर्ज करवा दिंदी आ, जाने कि अपने सहुरे परिवार के खिलाफ यह रिपोर्ट दर्ज करवाई जाती है भेद खोलन तो बाद कि वह मेरे तो दाज दहेज मंगते हैं, जिस करके अज मैनू गलत ठहराया जा रहा। पर इसका भेद खुलदा किवें आ, आओ तुहानू इसकी पूरी जानकारी दिंदे आ। कनौज लड़की पक्ष ने एक औरत नाल अजिही खेड खेडी जो सब नू हैरान कर देवेगी। उन्होंने अपने घर पैदा हुए किन्नर नू लड़की कह के औरत दे लड़के दा व्याह कर दिता। उसे नाल औरत नू जदों पता लग्या कि उसकी नूँह जिहड़ी आ उह किन्नर आ, तां उसके पैरां दे हेठों जमीन खिसक गई। ਵਿਆਹ ਦੇ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਹ ਭੇਦ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿਨਰ ਆਪਣੇ ਪੇਕੇ ਘਰ ਚਲੀ ਗਈ। ਸਹੁਰਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਾਜ ਲਈ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਲੜਕੀ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ SP ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਧੋਖਾ ਦੇ ਕੇ ਕਿਨਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਨੌਜ ਦੇ ਤੀਰਵਾ ਕੋਤਵਾਲੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਰਾਜ਼ਾ ਇਮਿਊ ठकुरैन का है, जिथे कि बानो ने अपने इकलौते बेटे शान का विआह 2018 कानपुर दहित दी अटियारा ईपुर पिंड बासी रोशनी पुत्र शहद ना करवाया सी। विआह तो बाद 5 साल तक रोशनी ने बीमारी का बहाना बना के अपने पति तो दूरी बनाई रखी, पर कुछ महीने पहला पता लगा कि उसकी पत्नी बन वाली औरत जिहड़ी आ उह किन्नरा। उसने एक गल अपनी माँ नूं दसी। जदों माँ ने दाइया ते नर्स तो इसकी जाँच करवाई तां इह सच निकलिया, उह एक किन्नर ही सी। इस गल नूं लै के उसकी नूँह बनी किन्नर नाल झगड़ा शुरू हो गया। कुछ दिन पहलां किन्नर नूँह अपने पेके घर गई अते उत्थे अपने पति अते सस खिलाफ़ दाज लई तंग परेशान करन दा केस दर्ज करवा दिता। पुलिस वालों उसते तशद्दुद किए जाने महिला ने SP की अदालत में पेश होकर इंसाफ की गुहार ला दी, जाने कि लड़के की मां ने। उन्होंने SP नूं भी सच्चाई सामने लाने लई नूँह की मैडिकल जांच करवाने की मांग की है। पीड़ित बानो ने कहा कि मेरी नूँह किन्नर है, कोई सुनवाई नहीं हो रही, इसलिए मैं SP दफ्तर तक पहुँच की है। असी अपनी अखा ना देखिया कि नूँह का ना रोशनी है और वह एक किन्नर है। यह विआह 16 नवंबर 2018 होया से। जो सानू पता लगा कि उन्होंने नूँह जी किन्नर आ, तो असी लड़की के परिवार वालों सूचित किया। उन्होंने ने आके सानू कुटिया, अपनी धी लै गया। हुण नूँह ने साढ़े ते दाज लई तंग परेशान करन दा झूठा केस दर्ज करवाया। साड़ी मंग है कि इंसाफ मिले सानू अते सानू किन्नर दी थां कुड़ी दा जड़ा आ रिश्ता करवाया जावे। दस दिए कि पीड़ित परिवार ने हुण इंसाफ दी मंग कीती आ, पर देखना तो हुण ये होवेगा कि आखिर जिहड़े परिवार ने, जाने कि लड़की परिवार ने, जिन्हां दी लड़की किन्नर सी, उन्होंने लड़के दे नाल उसका विआह कर दिता झूठ बोल के, पर हुण उस परिवार को सज़ा की मिलती आ, कि सज़ा मिलती भी है जां फिर नहीं मिलती, ये देखना होवेगा। पर इस मामले ते तुहाडी की राय आ, साडे कमेंट सैक्शन च अपनी राय देना ना भुलना। ब्यूरो रिपोर्ट, हमदर्द TV।